नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अब तक के सबसे अमीर धर्मगुरुओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम भारत के सबसे अमीर बाबाओं के और धर्मगुरुओं के बारे में बातें करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेजफुल वीडियो है। तो अब हम देख लेते हैं भारत के पांच सबसे अमीर धर्म गुरुओं को। नंबर पांच पर आते हैं बाबा गुरमीत राम रहीम। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा गुरमीत राम रहीम के पास 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। हालांकि वह वर्तमान में अपने बुरे कर्मों के कारण जेल की सजा काट रहे हैं। नंबर चार पर आते हैं बाबा रामदेव। दोस्तों, इस समय बाबा रामदेव की कई बड़ी कंपनियां चल रही हैं। और उनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ से अधिक है। नंबर तीन पर आते हैं आसाराम बापू। गुरमीत राम रहीम की तरह आसाराम बापू भी इस समय जेल में हैं और इनके पास 2300 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मौजूद है। नंबर दो पर आते हैं महर्षि महेश योगी। उनके पास 2300 करोड़ की संपत्ति है, हालांकि सन 2018 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नंबर एक पर आते हैं सत्य साई बाबा। उन्हें भारत का सबसे अमीर बाबा माना जाता है, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि इनके पास 6300 करोड़ की संपत्ति थी। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारत के कौन से धर्मगुरु के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।